अभी अभिजीत गया तो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा था। मैंने गोवा के सारे बड़े हॉस्पिटल्स में देख लिया मगर अभिजीत के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला था। मैंने कहा था ना तुम लोगों को दया कि मेरे पीछे मत आओ, मत आओ मेरे पीछे, मैं सब संभाल लूंगा, मगर नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। सर अभिजीत सर तो आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं सर। इसी बात का डर है फ्रेडी, मुझे इसी बात का डर है। आज 3 दिन हो गए अभिजीत ने फोन तक नहीं किया, समझ में नहीं आता वो जिंदा है भी या नहीं। सर मेरा दिल कह रहा है कि अभिजीत सर जहाँ कहीं भी है ठीक है, हमें जल्द ही कुछ ना कुछ पता चल जाएगा उनके बारे में। सर अभिजीत जहाँ से गिरा था वहां पर बड़ा समुंदर है, हो सकता है किसी मछुआरे ने उसे बचाया होगा। सर हम गोवा के सारे हॉस्पिटल्स के कांटेक्ट में हैं सर, अगर अभिजीत किसी को घायल हालत में मिलता भी है तो वो किसी ना किसी हॉस्पिटल में तो लेके जाएंगे उन्हें। हाँ मैम, मैम साहब को होश आ गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मनोज कैसे हो आप? सर सर वो चकरा रहा। गॉड इज ग्रेट मनोज, उन्होंने तुम्हें बचा लिया। मनोज कौन कौन? मनोज आप लोग कौन है? कौन है आप लोग? ये क्या है डॉक्टर साहब, इन्हें अपना नाम भी याद नहीं। सिर पे चोट लगी है, शायद इसकी वजह से। आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं? कि अपनी वाइफ को भी भूल गए? ये क्या कह रहे हैं आप? वाह वाह वाइफ, हमारी हमारी शादी हो चुकी है, ये कैसे हो सकता है? हमारी 10 साल पहले शादी हो गई थी, ये देखिए। अब ये ये तो हमारी शादी हो चुकी है, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? घबराने की कोई बात नहीं, शायद कुछ दिन की बात है, चोट ठीक हो जाने पर फिर धीरे धीरे उसे याद आने लगेगा। कुछ दिन? कितने दिन? कह नहीं सकता, एक हफ्ता, एक महीने, शायद एक साल। एक साल? मेरे पास एक साल नहीं है डॉक्टर, कुछ कीजिए, कहीं CID मनोज को। CID? ये CID मैन कहीं सुना है? CID से मेरा कुछ संबंध है क्या? बहुत गहरा संबंध है जो एक मुजरिम का होता है CID के साथ। मैं मुजरिम हूँ? आप गोवा के सबसे खतरनाक मुजरिम हो और CID आपकी जान के पीछे पड़ा है। मेरी जान खतरे में? CID तुम्हें मार देना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हम अगले हफ्ते ही यहां से निकल पड़ेंगे। कहां? एक मिशन पर। कैसा मिशन है?
वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल तुम सो जाओ। नहीं, आराम करो। नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे मेरा दम घुट रहा है, मुझे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं आपको सब कुछ याद आ जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं, आपको आराम की जरूरत है, मैं आपको नींद की गोली दे दूं। नहीं नहीं मम, मुझे मुझे दवा नहीं खानी, प्लीज। जरूरत है नहीं। मनोज तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, ले लो, मुझे प्लीज ले लो, तुम्हें अच्छा लगना, ले लो प्लीज, ले लो। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे कुछ इसकी याददाश्त जल्दी तो वापस नहीं आएगी ना डॉक्टर साहब? आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अपना काम जल्दी से कीजिए। सीआईडी वाले को घर पे रखना शेर को पालने के बराबर है। इस सीआईडी के शेर को अगर मैंने गोवा के सर्कस में ना नचाया तो मेरा नाम भी समारा नहीं। थैंक यू सर, उनके साथ जो आप लोग मुंबई से यहाँ तक हमारी मदद करने के लिए आए। अरे नहीं थैंक यू की क्या बात है यार, अरे अभिजीत को ढूंढना, उसे बचाना हम लोगों का फर्ज है। आपने इन्हें पहले कहीं देखा है? शायद कोई इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया हो। ना। अरे ठीक से फोटो देख के बताओ, ऐसे ही हवा में सर मत हिलाओ समझे? नहीं सर। सर एक बार चल के अंदर देखते हैं वार्ड्स में, शायद अभिजीत सर अंदर हो रहे हैं, मिल जाओ। चलो। लेकिन मुझे लगता है वो लोग अभिजीत को अपने साथ ही ले रहे हैं। लेकिन सर रॉस्टन और उसके सारे साथियों को तो हमने पकड़ लिया। लेकिन हो सकता है सचिन उनमें से कोई उसका साथी रह गया हो पकड़े जाने से। लेकिन अभिजीत को क्यों कोई पकड़ के रखेगा सर? ये तो मालूम नहीं है तारिका, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। पुष्पा पुष्पा सर, इस इलाके के सभी क्लिनिक चेक कर लिए सर, अभिजीत सर का कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है। देखो फ्रेडी तुम हिम्मत बता रहे हो, यहाँ पास में मीरा मार हॉस्पिटल है, वहाँ पता करते हैं। इस फोटो को ध्यान से देख के बताइए कि यह आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है क्या? क्या हुआ इसे सर? यह आदमी दो दिन पहले पहाड़ी से गिर गया था। सिस्टर क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रही हो? मैंने भी इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन सिस्टर हमने तो इसके बारे में आपसे पूछा ही नहीं। वो क्या है ना, आप लोग सीआईडी से है ना, इसलिए वो मैं थोड़ा नर्वस हो गई। मैडम सीआईडी से तो वो आदमी घबराता है जिसके दिल में कोई चोर होता है। आपके दिल में तो कोई चोर नहीं है ना, तो फिर घबरा क्यों रही हैं आप? इस फोटो को ध्यान से देखिए। देखी ना, मैंने पहले कभी नहीं देखा है, एक्सक्यूज मी। बस बिना लाइट डिटेक्टर के मैं बता सकता हूँ ये नर्स झूठ बोल रही है। सर इसका मतलब है इस नर्स को अभिजीत सर के बारे में सब कुछ पता है। हो सकता है। नर्स आ गई।
तो बार बार किसी को फोन करने की कोशिश कर रही है। उसका फोन लग नहीं रहा है, जाके पकड़ ले तो। पहले देखते हैं कि ये कर क्या रही। हेलो, नहीं नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर तुम होशियार रहना, वो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। हाँ जी, ओके बाय। बड़ी घड़ी डाल करके देखते हैं। हेलो, मैं बादल बात कर रहा हूँ, बिजली को बुलाओ। बिजली? अरे भाई बिजली, क्या ये बिजली का नंबर नहीं है तो फिर किसका नंबर है? डॉक्टर त्रिलो? अच्छा भैया ठीक है, डॉक्टर त्रिलोक। अब ये डॉक्टर त्रिलोक ही हमें अभिजीत सर तक लेके जाएगा। फोन आया था? हाँ आया था, मगर आप? मरीज की तबीयत बहुत खराब है, आप तुरंत पहुंचे। हेलो हेलो, अब देखना फ्रेड, ये चीटी भाग के गुड़ के पास कैसे जाती है। चीटी? मुझे तो लगा डॉक्टर त्रिलोक है। गुड़ क्या होता है जानते हो फ्रेड? गुड़ वही ना जो मीठा मीठा होता है। ये गुड़ अभिजीत सर है। क्या अभिजीत सर गुड़ बन गए? यहीं पे रुको, अगर मैं अंदर फंस गया तब अटैक करना। साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही ने तो मुझे फोन करके बुलाया कि मनोज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक है तो फिर मुझे फोन किसने किया?
अब समझ में आया, ये जरूर सीआईडी वालों की साजिश है। वो आपके जरिए यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। हो सकता है ये सीआईडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करो, सबको अलर्ट कर दो, कोई भी बाहर का आदमी आने आना चाहिए, सबको अलर्ट करो। क्या किया डॉक्टर साहब आपने, थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए था। मनोज तुम नहीं, तुम इसी कमरे में रहो। नहीं लेकिन मनोज तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहीं रहना, इस कमरे के बाहर मत निकलना, मैं सब कुछ देख कर आती हूँ। ठीक है चलिए रुको। सीआईडी वाले जी, कौन हो तुम? मैं दया, तुम्हारा दोस्त। एक, क्या कर रहे हो अभिजीत? तुम ठीक हो? कौन अभिजीत है? मैं मनोज हूं। मनोज? तुम कोई मनोज मनोज नहीं हो, अभिजीत हो, सीआईडी सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। सीआईडी? अच्छा अच्छा, तो तुम लोग मेरी जान के पीछे पड़े हो, उस डॉक्टर का पीछा करते आए ना यहाँ पे। हाँ तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें मालूम है एसीपी साहब कब से परेशान है तुम्हारे लिए? बेवकूफ समझ रखा है मुझे, तो यहाँ आ गया है ना? अरे तो जिंदा नहीं बचेगा। अभिजीत गोली की आवाज, ये तो मनोज ही तो मेरे साथ है। मनोज दरवाजा खोलो। ठीक पहचाना तुमने, जहां जहां जुर्म होता है वहां पे सीआईडी को आना पड़ता है। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। ये तुम्हारा पति नहीं है, ये अभिजीत था, अभिजीत। पर अब ये भी अभिजीत नहीं रहा, न जाने क्या बना दिया तुम लोगों ने इसे। ये अभिजीत नहीं, मेरे पति मनोज है। अभिजीत ने और मैंने कसम खाई थी साथ में शादी करेंगे, तो फिर इसने तुमसे शादी कैसे करी? तू तो अब अगले जन्म शादी करेगा, यहाँ के बहुत बड़ी गलती की है तूने। चुप, आया तो था तुझे यहां से बचाने के लिए,
तो लगता है कोई फायदा नहीं। अगर आप तो मुझे यहां से जिंदा निकालेगा, समझा? चल चल राइट, पीछे हटो, गोली मारो, हटो। कोई चालाकी नहीं, कोई चालाकी, वरना इस मनोज के खोपड़ी में इतने छेद कर दूंगा कि पहचान नहीं पाओगे इसकी शक्ल। छोड़ दो, हटो, छोड़ दे मेरी मनोज। कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, चल चल। नीचे नीचे नीचे, चुप रहो। क्या गन नीचे, गन नीचे रख। जाओ सर, प्लीज प्लीज मनोज को छोड़ दीजिए। समझ में नहीं आता क्या? कोई करो कुछ। क्या पकड़ो उसे। इस जमाने तो अभिजीत के दिमाग का हलवा बना दिया होगा। हाँ सर, जाने ऐसे कितने इंजेक्शन दिए होंगे उन लोगों ने अभिजीत को। अपने आप को मनोज बता रहा है, लेकिन क्या ये वाकई अपने आप को भूल गया होगा? हाँ सर, उसके बर्ताव से तो ऐसा लग रहा है जैसे पैदा होते उसने जुर्म करना शुरू कर दिया था। सर, ये भी हो सकता है कि पहाड़ी पे से गिरने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई हो। नहीं, पहाड़ी से गिरने की वजह से नहीं हुआ है सब कुछ, इस ड्रग की वजह से हुआ है बॉस, इस ड्रग की वजह से। फिलोसिल है ना ये, फिलोसिल। पता नहीं अब अभिजीत की याददाश्त कभी वापस आएगी या नहीं। सर, इस फिलोसिल से तो कभी कभी लोग पागल भी हो जाते हैं। हाँ दया। सर, एक रास्ता है। क्या? सर, किसी तरह से हम अभिजीत को ही किडनैप कर लेते हैं। क्या? अभिजीत सर की किडनैपिंग? हाँ फिर हम अभिजीत को किडनैप करेंगे। अभिजीत को बचाने के लिए ये गुनाह हम भी करेंगे। सीआईडी और किडनैपिंग? ये सीआईडी वाले तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गए। आज वो दया ने गोली चला दी होती तो मैं तो जीते जी मर जाती। जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, ये दया वया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मनोज बेटा, ये सीआईडी वाले सांप की तरह जहरीले होते हैं। इन्होंने आपके बड़े भाई ध्रुव को पहले मारा, अब तुम्हें मारना चाहते हैं। इस खानदान का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं। सीआईडी वालों ने मेरे भाई का खून किया है। ये देखो, ध्रुव को मार के बहुत मेडल कमाए हैं, इनके सीने में दिल नहीं है, और अब वो मेरा सुहाग भी उजाड़ने जा रहे हैं। मैं सीआईडी वालों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने मेरे भाई की जान ली। मेरी तरफ देखो मनोज, मेरी आंखों में देखो। क्या दिखाई देता है? मेरे लिए प्यार ही प्यार है और थोड़ा सा डर है। तुम्हें खो देने का डर? क्या तुम ये नहीं चाहते कि मेरी आंखों से ये डर हमेशा के लिए चला जाए? तो मार दो उनको, खत्म कर दो सीआईडी वालों को। सीआईडी वालों को हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं है। मनोज बेटा, अगर तुम सीआईडी वालों को नहीं मारोगे तो वो लोग तुम्हें मारेंगे। समरा विधवा हो जाएगी। एक विधवा की जिंदगी जीने से अच्छा मैं खुदकुशी कर। नहीं, खबरदार, ऐसी बातें दोबारा निकाली तो हम नहीं मरेंगे, मरेंगे ये सीआईडी वाले। पहले मैं इस दया को मारूंगा, उसके बाद इसका बॉस एसीपी प्रद्युमन, इसको ऊपर पहुंचाऊंगा।
हम यहाँ क्यों आए हैं? शिकार। शिकार? हाँ, सीआईडी का शिकार। शिकार करने से पहले शिकारी को जान बचाना पड़ता है ना? क्या मतलब? ने दो घंटे से सीआईडी वाले हमारा पीछा कर रहे हैं और वो लोग हमारा पीछा करते करते यहाँ जरूर आएंगे। मगर तुम्हारे पास तो गन भी नहीं है। दया को मारने के लिए मुझे गन की जरूरत नहीं है। अभिजीत, देन गन मत निकालना, भगदड़ मच सकती है। अभिजीत सर। कौन अभिजीत? अब सॉरी, अरे ये हो क्या रहा है? और एक अभिजीत सर। जी सर, अरे तुमने अभिजीत सर जैसे कपड़े क्यों पहन रखे? हम लोगों को गुमराह करने के लिए। कौन कौन अभिजीत? मैं गोवा घूमने आया हूं। रुक जाओ मनोज। आखिर कबूतर जाल में फंस ही गया। यहां तक तो आ गया हो दया, लेकिन यहां से सीधा ऊपर जाओगे। डर लग रहा है? शेर को डर नहीं लगता। शेर अपना शिकार अकेले ही करता है। इस खिलौने के साथ तो जुआ भी शेर हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो। मनोज,
वाह बुलबुल वाह, तूने तो मुझे बचा ही लिया। ये क्या कर रहे हो अभिजीत? अब क्या करेगा दया? हैं? मनोज चलो यहाँ से, चलो मनोज जल्दी चलो। क्या हुआ सर? सर कुछ बोलिए, सर कुछ बोलिए, क्या हो जाए सर को? सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं यार? मैंने इनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की है, अब आप लोग उसको दफना सकते हैं। आज खुद को अनाथ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं वो सब असर की वजह से हूं। अगर वो नहीं होते तो मैं सीआईडी ऑफिसर कभी नहीं बन पाता। देखो निखिल, खूब मेहनत करना, अच्छा काम करना, दया तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, ना मैं अभिजीत और दया के बीच आती और ना ये सब होता। नहीं तारिका, तुम तो सिर्फ अभिजीत को बचाना चाहती थी। किसे मालूम था कि वो अभिजीत जिसने कई बार अपनी जान दया के लिए खतरे में डाली है खुद दया की जान ले ले। दया सर के बिना सीआईडी सीआईडी नहीं है। अब कौन दरवाजा तोड़ेगा, किसके नाम से मुजरिम कापेगी? गॉड, 2 साल पहले तुमने जो चमत्कार दिखाया था आज वही चमत्कार फिर से दिखा दो। प्लीज संभालिए अपने आप को, शायद आज भगवान को दया सर की जरूरत हम लोगों से कहीं ज्यादा है। भगवान को बात कर, मैं बात नहीं कर सकता। दया सर को यहाँ कब्रिस्तान में? दया की यही इच्छा थी।
दया तो गया, अब एसीपी की अर्थी बहुत जल्दी सजेगी। ये जाम दया की मौत के नाम। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ मनोज। जब तक एसीपी जिंदा है हम चैन की सांस नहीं ले सकते। बस इतनी सी बात है। अभी इस एसीपी का भी इंतजाम करता हूं। मेरे इस मोबाइल में मेरे दुश्मन एसीपी का नंबर तो होना चाहिए। अरे है एसीपी का नंबर। तुम एसीपी को फोन क्यों कर रहे हो? रिलैक्स हनी, अब तुम अपने पतिदेव का कमाल देखो। हेलो एसीपी साहब, मैं अभिजीत बोल रहा हूं। जी जी अभिजीत सर, मेरी याददाश्त वापस आ गई है सर। सर मुझसे ये क्या पाप हो गया, मैंने दया का खून कर दिया सर। सर दया तो मेरे भाई जैसा था। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर। सर मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हाँ सर, कहाँ पे? डाउन अपोला। ओके सर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब देखो कैसे बजाता हूं मैं इस एसीपी का बाजा। सर अभिजीत सर तो अब तक आए नहीं सर। आएगा, अभिजीत आएगा, जरूर आएगा, और यहीं पर आएगा वो। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि अभिजीत सर ने दया सर का खून कर दिया। काजल अब ये अभिजीत हमारा अभिजीत नहीं रहा, अब वो हमारा अभिजीत। अब वो मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकता। ऐसा मत कहिए सर, दया सर को तो हम खो चुके हैं। कम से कम अभिजीत सर को तो बचाना चाहिए सर। क्या रहेगा बचाने का अभिजीत को, क्या रहेगा? उसका क्या करना है मैंने ठान लिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। सर मेरे हाथ काट लीजिए सर। मैंने इन हाथों से दया का खून किया है। आपको कैसे बताऊंगी सर, मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया है सर। तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें क्या हो गया है? तुमने खून किया है दया का अभिजीत, दया का खून किया है, तुम्हें खून ही हो। अब तुम्हें इसकी सजा मैं दिला कर ही रहूंगा। दया तुम्हें बचाने आया था वो तुम्हें, और तुमने उसका ही खून कर दिया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है। दया को मारने का जो गुनाह मैंने किया है सर, उसके प्रायश्चित में मैं पल पल मर रहा हूं सर। आप मुझे फांसी बचा दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए सर, इस बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए सर।
देखो अभिजीत, तुम दोनों के बगैर सीआईडी की ताकत आधी हो गई और बची हुई आधी ताकत आपके मरने के बाद खत्म हो जाएगी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो अभिजीत? हाँ ऐसी तू मरा और सीआईडी खत्म। अभिजीत सर, ये क्या कर दिया आपने? एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। ए, एम्बुलेंस से तू तब बुलाएगा जब तुम लोग जिंदा बचोगे। सबकी कब्रें यहीं खुदेंगी गोवा में। शाबाश मनोज, आज तुम्हारे नकली भाई की आत्मा वाकई बहुत खुश होगी। नकली भाई? हाँ, नकली भाई और नकली बीवी। नकली बीवी और नकली मनोज भी। नकली मनोज मतलब मैं मनोज नहीं? नहीं, मैंने एक सीआईडी ऑफिसर के हाथों बाकी सीआईडी को मरवा डाला। वेल डन समरा, वेल डन। बहुत इंतजार करवाया एसीपी समरा, बहुत ही अच्छा जॉब किया तूने। अब इसका क्या कर रहे हैं? इसे भी पहुंचा दे अपने साथियों के पास। जाओ अभिजीत, जाओ अपने प्यारे एसीपी के पास। सब खेल खत्म हो गया, रुक। उतारो इसका नकाब, देखने दो हम सबको है कौन ये इंसान जो हमसे इतनी नफरत करता है। सजमन, मुझे लगता है विजय को कुछ हो गया है। एक मिनट श्वेता, ऐसा नहीं करते, ऐसे घबराओ मत। मैं आ गया हूं ना, मैं विजय को ढूंढ कर लाऊंगा, समझी? श्वेता, मैं मेरे जाल में फंसते गए तुम लोग। क्यों किया तुमने ये सब? क्या बिगाड़ा था विजय ने तुम्हारा? हम सीआईडी वालों ने भी। मैं ध्रुव की मौत का बदला लेना चाहती थी। ध्रुव, इसे तुम लोग मेरा भाई बता रहे थे? ध्रुव तुम्हारा नहीं, मेरा भाई था, जिसे तुम सीआईडी वालों ने मार डाला था, उसका खून किया। इसलिए मैंने सोचा कि तुम सीआईडी वालों को ही खत्म कर दो। ध्रुव ने इतने गुनाह किए थे कि उसके पापों का घड़ा भर चुका था। उसका वही अंजाम हुआ जो एक मुजरिम का होना चाहिए था। वो मुजरिम नहीं था, मेरा भाई था। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। ध्रुव कानून की नजरों में एक मुजरिम था, मुजरिम, समझी? एसीपी प्रद्युमन,
तुम्हें हर आदमी से गुनहगार दिखाई देता है। तुम्हारे इसी जुनून का फायदा उठाने के लिए मैंने विजय को किडनैप किया था, ताकि तुम भागते भागते आओ और मेरे जाल में फंस जाओ। अपने ही पति के खिलाफ साजिश रची तुमने, शर्म नहीं आई? उसने मेरे भाई का खून किया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, ये बात मुझे बाद में पता चली, नहीं तो मैं कब का उसे ऊपर पहुंचा देती थी। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर। तुम्हें पता चला कि अभिजीत के याददाश्त के साथ कभी कभी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो तुमने सोचा क्यों ना उसके इस कमजोरी का फायदा उठाया जाए, हाँ, और उसी के हाथों हम सबको ऊपर पहुंचा दो। हाँ, मगर मुझे क्या पता इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मेरी याददाश्त गई कब थी, वो तो मैं नाटक कर रहा था। चिंता मत कीजिए मैडम, मैंने इस इंजेक्शन का एक डोज उसे दे दिया है, इसकी वजह से वो अपना याददाश्त जरूर खो देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे और एक डोज देना पड़ेगा। तो देते क्यों नहीं डॉक्टर? इसमें बहुत खतरा है, वो डोज की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। आप इन सीआईडी वालों को जानते नहीं है डॉक्टर साहब, ये इतनी आसानी से दम तोड़ने वालों में से नहीं है। अगर इसे होश आ गया और इसे पता चल गया कि ये कौन है, तो फिर हम नहीं बचेंगे। मेरी बात मानिए डॉक्टर, टाइम वेस्ट मत कीजिए और दे दीजिए इसे दूसरा डोज प्लीज। ठीक है। मैं कहा? ये तुम क्या कह रहे हो मनोज, ये तुम्हारा घर है। घर? ओ, ओ, ये मेरे सर घूम रहा है। राम, आप लोग कौन है और मैं कहाँ हूँ? क्या तुम वाकई हमें नहीं पहचानते? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ मुझे? मैं कौन हूँ? मैं कौन? मैं कहा? पर तुझे तो गोली मार के जमीन में गाड़ दिया था ना। अभिजीत ने वो गोली बदल दी थी, नकली गोलियां चलाई थी उसने मुझ पर। क्या कर रहे हो अभिजीत? तुम ठीक हो? उसी वक्त हम लोगों ने मेरे मरने का प्लान बनाया, नकली गोली के साथ। गोलियां नकली थी मगर कब्र तो असली थी, दम नहीं घुटा। दम कैसे घुटता? कब्र के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन टैंक रखा था। पहले से ही टैंक रखा था? उस कब्रिस्तान के प्रीस्ट ने भी इस नेक काम में हमारी काफी मदद की। और अभी जो गोलियां हमने तुम पर चलाई वो वो सब गोलियां इसमें है, इस बुलेट प्रूफ जैकेट में जो हम सब ने पहन रखी है। 3 दिन से टमाटर का सॉस खरीद रहा था मैं, खाओगी? कुछ सॉस बचा है फ्रेडी? बिल्कुल सर, भेज दो जेल में, जेल की सूखी रोटियों के साथ सॉस खाते बैठेंगे ये दोनों भी, फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।